Alright, so hey guys, what's up everybody, it's your boy Shimisha, welcome back and begin with a new video. So guys, welcome to my new vlog. आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, बट स्टिल स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छे लगे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना यार, कीप सपोर्टिंग. आप लोग सब्सक्राइब ही तो नहीं करते हो. सो गाइज, आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ. सो गाइज, आज का दिन था, मैं को कोई काम धंधा नहीं था, तो मैं आराम से अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी मुझे अचानक एक बाइक के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है. मैं घर से बाहर निकल के आता हूँ, बाहर निकल के तो मेरे को पता चलता है वो एक डिलीवरी बॉय है जो मेरा कुरियर लेके आया हुआ है. सो गाइज, मुझे कुरियर आया हुआ था स्नैपडील की तरफ से. सो गाइज, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उस कुरियर में क्या था मेरे लिए. सो आपको मैं दिखाने वाला हूँ. सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो पे लाइक कर देना, कॉमेंट करना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज. सो वो कुरियर है ये, जो अभी फुल्ली सॉरी ये साइड देख सकते हो, बट ये साइड मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये साइड मेरे घर का एड्रेस लिखा हुआ है. सो अभी मैं इसको अनबॉक्स करने जा रहा हूँ. सो देखते हैं इसके अंदर क्या है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो. तो गाइस, अनबॉक्स करते हैं इसको, बट मैं ना सीज़र या फिर ब्रेड दोनों भी लाना भूल गया है, तो मैं इसका पैकिंग खोलूँगा मेन नेल से. मेन नेल्स थोड़े बड़े हैं तो मैं नेल्स से रगड़ रगड़ के, तो इसकी पैकिंग खुल गई और तो मैं इसको खोलता हूँ और देखते हैं इसके अंदर क्या है. तो गाइस, इसके अंदर है HTC का ट्रिमर, HTC का हेयर ट्रिमर. सो यस गाइस, मैंने ट्रिमर ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले, तो वो आया है. तो गाइस, ये मेरे लाइफ का फर्स्ट, मतलब कुछ मैंने ऐसा ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो मेरे अंदर वो धक 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 हो रही थी कि मतलब मैं ऑर्डर कर रहा हूँ नहीं आया, या फिर आया कहीं और चला गया. इसके लिए मैंने कैश ऑन डिलीवरी रखा हुआ था कि आएगा तभी मैं उसको पैसा दूंगा. सो गाइस, ये है HTC का 8538 हेयर क्लिपर प्रोफेशनल ट्रिमर. तो इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है. तो गाइस, ये मैंने ही ऑर्डर किया था और बहुत रिस्क पे किया था क्योंकि मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं था ऑर्डर का, तो फर्स्ट टाइम था तभी मेरे को समझ में आ गया कैसे होता है सब कुछ. तो गाइस, सबसे पहले देखो हमें क्या मिला है. हमें मिला है ये, बिफोर यूज़ प्लीज़ पुट ऑन चार्ज फॉर 8 आवर. तो ऐसा कोई काम नहीं है. और इसके अंदर है रिसिप्ट टेबल, तो इसको खोलते हैं. ये है 3 mm का और ये है 7 mm का. और अपने को इसके अंदर चार ब्लेड मिलते हैं, एक 5 mm का, एक 7 mm का, एक 3 mm का और एक निकल जा भाई, एक तो निकली नहीं रहा है ढूंढ, 1 mm का है अभी निकल नहीं रहा है, लेकिन निकल गया. और ये है 1 mm का. तो अपने को इसके अंदर चार ऐसा क्या बोलते हैं इसको ब्लेड मिला है. और ये है गाइस इसका चार्जिंग केबल, तो एडेप्टर नहीं है इसके साथ, ये वाला चार्जिंग है. और ये आयल है, ऑयल मिला है, इसका यूज़ कहाँ होता है मुझे नहीं पता. एंड ब्रश भी था गाइस, ब्रश मैंने कहीं रख दिया था, नहीं ब्रश इसमें ही है थोड़ी गाइस, ये ब्रश है. तो अभी सबसे मेन चीज़ निकालते हैं अपना. तो गाइस देखो, ये है अपना ट्रिमर, एकदम स्मूथ है गाइस, चला के देखते हैं इसको ना, मस्त आवाज़ ही आ रही है ना, और ये चलता भी है मस्त, अब भी तो मस्त चल रहा है. और मतलब इसका मॉडल भी बहुत अच्छा है, पूरा एकदम अच्छा है. ये मेरे को लग, ये स्टील नहीं है, प्लास्टिक है, बट इसको डिज़ाइन भी अच्छा किया, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बट शायद इसका ये खुलता नहीं है, या फिर अगर ये खुलता रहेगा तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि इसके बॉक्स में तो लिखा था खुलेगा, बट यहाँ पर स्क्रू लगाया हुआ है, तो ये खुलेगा कैसे. तो अगर आप लोगों को पता है कि ये कैसे खुलता है तो आप मुझे कॉमेंट करके बताओ. और इसको देखते हैं कि ये चार्ज कैसे होता है. तो हाँ, ये हो, यहाँ पे चार्जिंग बनाया हुआ है, तो इसको लगाते हैं इसको ऐसा, चलते हैं देखते हैं चार्जिंग कैसे होता है इसका. अदुसायु चलता रहे, तो इसको लगाए बोर्ड में,
और ये बटन चालू, ये देखो गाइस ऐसा चार्ज हो रहा है। गाइस हमें ज़रूरत थी एक ट्रिमर की, तो मैं ऐसे ही ऑनलाइन देख रहा था तो मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट में, अच्छे प्राइस रेट में मुझे एक अच्छा ट्रिमर मिल रहा था, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। तो गाइस मैं लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर था, और ये ट्रिमर भी अच्छा वाला आया है, ख़राब नहीं है। तो अभी फ़िलहाल तो फर्स्ट डे है, तो अभी इसको यूज़ करेंगे, और अगर नहीं होता है तो 5 की 6 तारीख तक रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो रिप्लेस कर देंगे, और नहीं रहेगा तो इसको यूज़ कर। और वेट भी नहीं है ज़्यादा, लुक भी बहुत अच्छा है। सो गाइस ये मेरे लाइफ का फर्स्ट ऑनलाइन ऑर्डर का एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो इसको भी फटाफट पैक करके वैसे ही रख देते हैं। हमारा पैकिंग इसका हो गया है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरा फर्स्ट ऑनलाइन एक्सपीरियंस कैसा था, जो अच्छा था काफ़ी। तो अभी मैंने रेटिंग नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अभी मैं इसको यूज़ करूँगा और देखूँगा कि कैसा है, उसके बाद ही मैं अपना फीडबैक दूंगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।